नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिंपल कुकिंग रेसिपी में। आज मैं आपके साथ चना चाट का रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल और 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो काले चने हैं उसको रात भर भिगो के रखना, ओवरनाइट सोक करना है और फिर उसे बॉईल करके ले लेना है। 2 सिटी में ये बॉईल हो गया था। एंड उसके बाद मैंने एक छोटा साइज का कांदा कट करके लिया है बारीक, और एक छोटा साइज का मैंने टमाटर लिया है उसको मैंने बारीक कट कर लिया है। आधा नींबू का मैंने रस लिया है यहाँ पे, थोड़े से कटे हुए हरे धनिए। और मसालों में हमें सिर्फ और सिर्फ चाट मसाला और नमक, इतनी ही चीजों की जरूरत है। तो बहुत क्विक रेसिपी है ये, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने चने लिए हैं इसमें मैं सारी चीजें ऐड कर दूंगी। मिर्ची की क्वांटिटी अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कम कर दीजिए। मैंने यहाँ पे 2 छोटी मिर्ची ली है बारीक कटी हुई। इसमें हम कांदा ऐड कर देंगे, टमाटर भी ऐड कर देंगे और जो धनिया है वो भी ऐड कर देंगे। तो सारी चीजें, और ये बहुत हेल्दी होता है खाने में। एक बोलते हैं ना, 5 मिनट में बनने वाला चाट है। अगर आपके पास बॉयल चना रेडी है तो आप इसे जल्द से जल्द बना सकते हैं नाश्ते के लिए, और शाम की छोटी मोटी भूख के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। और चाट मसाला मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बहुत छोटा सा, आधा चम्मच, इतना सा ही बस डाल रही हूँ, आधे से भी कम चम्मच मैं ले रही हूँ। और इसमें आप काला नमक चाहें तो काला नमक भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नॉर्मल वाला सॉल्ट है वही यूज़ कर रही हूँ, तो इसे भी मैं ऐड कर रही हूँ स्वाद अनुसार। तो बस अभी हम इसे मिक्स करेंगे और हमारा चना चाट रेडी है। बस इसे मिक्स कर लीजिए, और ये जो आधे नींबू का रस है ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो तैयार है हमारा चना चाट, बहुत ही क्विक रेसिपी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।